नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। झज्जर में सर्जिकल स्ट्राइक की वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री ने वीर जवानों को किया प्रणाम। भारतीय सेना द्वारा देश के दुश्मनों की गई सर्जिकल स्ट्राइक को शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया। शनिवार को झज्जर में सर्जिकल स्ट्राइक की वर्षगांठ पर राज्य स्तरीय समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश के रक्षक और सीमाओं पर तैनात वीर जवानों को प्रणाम किया। आपको बता दें कि झज्जर के राजकीय कॉलेज में आयोजित समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बहुत ही गौरव का अनुभव हो रहा है कि पूरे देश में आज शौर्य दिवस को पराक्रम पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश का सामान्य समाज अपने अपने कामों में व्यस्त रहता है और आज़ादी का एहसास कर रहा है, खुली हवा में सांस ले रहा है। देश इस योग्य शहीदों की वजह से बना है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज भी जल सेना, थल सेना और वायु सेना प्रहरी बनकर देश की रक्षा कर रही हैं। हरियाणा की भूमि वीरों की भूमि है और यहाँ पर हर बच्चे का जब भी विकास होता है और वह साहस के सामने रख कर के उसका विकास होता है। नौजवान सेना में रोजगार के लिए भर्ती नहीं बल्कि दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए भर्ती होते हैं। आप और हम इसलिए खुशहाल हैं क्योंकि सेना पर शहादत के लिए हमारे जवान तैयार हैं। आप देख रहे हैं पल पल, झज्जर से ये खास रिपोर्ट। सर्वप्रथम देश के रक्षक, सीमाओं पर तैनात वीर जवानों को मैं अपनी ओर से प्रणाम करता हूं। बहुत ही गौरव का अनुभव हो रहा है कि पूरे देश में आज शौर्य दिवस को एक पराक्रम पर्व के रूप में हम लोग मना रहे हैं। 28, 29, 30 सितंबर को पूरे देश में लाखों की संख्या में सब लोग अपने विचारों को साझा कर रहे हैं कि देश का सामान्य समाज अपने अपने कामों में व्यस्त रहता है, देश की आजादी का एहसास वो कर रहा है, खुली हवा में सांस ले रहा है, लेकिन आखिर इस काबिल, इस योग्य वो कैसे बना? वो बना इस देश को आजादी दिलाने वाले हमारे अनेकों अनेक शहीद, हमारे सैनिक, और वो आज भी
प्रहरी बनकर, चाहे जल सेना, थल सेना अथवा वायु सेना, किसी भी रूप में इस देश की रक्षा कर रहे हैं। और हमें इस बात का भी गर्व है, हरियाणा की भूमि क्षेत्रफल में पूरे देश का 1.3% है, आबादी में हम देश का 2% है, लेकिन सेनाओं में, हमारी रक्षा सेनाओं में हरियाणा का अगर हिस्सा हम देखते हैं तो 10 और 11% ये है। हरियाणा की भूमि वीरों की भूमि है और यहां का बच्चा बच्चा जब उसका विकास होता है, उसका शारीरिक विकास, उसका बौद्धिक विकास, उसका मानसिक विकास, वो शौर्य और साहस को सामने रख करके उसका विकास होता है। खेलों में पारंगत है और खेलों में पारंगत होने के नाते उसका मन धीरे धीरे उसी प्रकार के पराक्रम करने का बनता है कि देश और समाज की सुरक्षा करने के लिए मुझे सेना में जाने का मौका मिलेगा तो मेरा प्रथम चयन वो होगा। हमारे नौजवानों की ओर से मांग आती है कि सेना में भर्ती का कोटा बढ़ाया जाए, हम केवल 10% तक सीमित नहीं रहना चाहते, हमको ये 12%, 15%, 16%, 18% नहीं मिले तो भर्ती होकर के और उस कोटे को पूरा करेंगे। एक जज्बात है हमारे देश के, हमारे प्रदेश के नौजवान का। कोई नौजवान भर्ती रोजगार के लिए वहां नहीं जाता है, बल्कि उसके मन में एक भाव है कि दुश्मन के दांत खट्टे करने हैं, नाखून चने चबाने हैं, इस देश की रक्षा सुरक्षा करनी है।